ओके सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डे ड्रीम अब भावुक। आज की जो मॉर्निंग है बहुत गुड है आप सबके लिए, क्योंकि आज बहुत सारी पीपीआर्स आई हैं। वो पीपीआर्स मैं जरूर दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब कर लो। व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत सारे बहुत ही जल्दी जल्दी। एंड अगर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नहीं आपने फॉलो किया उसको भी फॉलो कर लो। इफ़ यू वांट टू हैव एनी कन्वर्सेशन विद मी आप मेरे को वहाँ डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है नीचे, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड तो बिना किसी देरी के बिना किसी के वेट किए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी और देखते हैं आज की पीपीआर्स 13th अक्टूबर की और 12th अक्टूबर की भी मिक्स डेंस में। जो सबसे पहली पीपीआर है 12 अप्रैल को फाइल लॉन्च की हुई है, 13 अप्रैल को बायोमेट्रिक हुआ है, 11 जून को रिक्वेस्ट लेटर आया था, मतलब ये क्यूबेक की फाइल है लेकिन इनका रिफ्यूजल आ गया अक्टूबर 13th को, इट्स रियली सैड। इसके नेक्स्ट है जो पीपीआर है वो अगस्त 5th की रीअप्लाइड केस है, अक्टूबर 13 को इनको पीपीआर और बीवीएल दोनों मिल गया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके नेक्स्ट है जो फाइल लॉन्च है 5 नवंबर की 2020 में, बायोमेट्रिक हुए थे 24 दिसंबर को 2020 को, मेडिकल अपडेट हुआ 21st ऑफ फेब को, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है 5 जून को, डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टार्ट हो गया 6 जुलाई को और पीपीआर मिल गई 13th ऑफ अक्टूबर को। कॉलेज सजेप था इनका और कोर्स था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। वीडियो आज लंबी रहने वाली है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है, ज़रूर देखना एंड बहुत ही मतलब काम आने वाली है आपकी, आपको ट्रेंड अच्छे से पता चल जाएगा। अगस्त 4 का बायोमेट्रिक हुआ है, अगस्त 5 को फाइल लॉन्च हुई हुई है, अगस्त 10 को बायोमेट्रिक अपडेट हुआ और रिजेक्शन आ गई और रीअप्लाई कर दिया 16th अगस्त को और पीपीआर आ गई अक्टूबर 12th को, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके नेक्स्ट है जो वो फाइल लॉन्च है मार्च 10 की, बायोमेट्रिक अपडेट हुए थे 19th मार्च को, मेडिकल और बीवीएल हो गया था 7 जून को, रिव्यू स्टार्ट हो गया था 7 जून को, वेब फॉर्म रेज किया सितंबर 14th को और अप्रूवल मिल गया अक्टूबर 13th को, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके नेक्स्ट है जो सेनेका कॉलेज की पीपीआर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स है, मेडिकल हुआ था 17th अप्रैल को, फाइल लॉन्च की थी 20th अगस्त को, BIL मिला था 21st अगस्त को, बायोमेट्रिक हुए थे 14 सितंबर को, सेम डे अपडेट हो गए, मेडिकल पास हुआ 12th अक्टूबर को, BVL एंड PPR भी मिल गया 12th अक्टूबर, SDS कैटेगरी फाइल थी इनकी। इसके नेक्स्ट है अगस्त 21st की फाइल लॉन्च है, अगस्त 22nd को BCL है, BVL और PPR अक्टूबर 12th को मिला है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, देख लो आप। इसके नेक्स्ट है जो हेलो माधव हेयर एंड मेडिकल हुआ हुआ है 8 जुलाई को, फाइल लॉन्च हुई है 21st अगस्त को और बायोमेट्रिक हुआ 3rd सितंबर को और सेम डे अपडेट हो गए, मेडिकल बीवीएल और पीपीआर 12th ऑफ अक्टूबर को मिल गया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके नेक्स्ट 19 अगस्त की फाइल लॉन्च है, 20 अगस्त को बीसीएल हुआ हुआ है, बीवीएल और पीपीआर अक्टूबर 12th को मिल गया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके नेक्स्ट नवंबर 2nd की फाइल लॉन्च है 2020 की और BCL मिला हुआ है नवंबर 5th को, रिक्वेस्ट लेटर आया जून 7th को, BVL मिला अक्टूबर 12th को और PPR मिल गया अक्टूबर 13th को, नॉन SDS फाइल थी ये क्यूबेक की, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके नेक्स्ट ये है कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 PPRs ये हैं मेरे पास 13th की ही, और इसके नेक्स्ट हैं जो SDS कैटेगरी ही हैं सारी। इसके नेक्स्ट है जो 22nd अगस्त की फाइल लॉन्च है 2020 में, 9 सितंबर को बायोमेट्रिक हुए थे, मेडिकल हुए थे, मेडिकल अपडेट हो गया 13th को और पीपीआर में मिल गया 13th अक्टूबर को, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, SDS कैटेगरी है इनकी। इसके नेक्स्ट है जो ये वाली होगी, फाइल लॉन्च है 22nd ऑफ अगस्त को, मेडिकल हुआ 16th अगस्त को, मेडिकल पास हो गया 23rd अगस्त को 7 डेज के बाद, वीक के बाद, बायोमेट्रिक हुए और सेम डे डेट अपडेट हो गए 26th ऑफ अगस्त को और रिव्यू स्टार्ट हुआ 13 सितंबर को और बीवीएल और पीपीआर मिल गया और 12th ऑफ अक्टूबर को, नॉन एसडीएस की फाइल है। इसके नेक्स्ट है जो वो है जून 18 की फाइल लॉन्च और जून 19 को बीसीएल हुआ है, रिक्वेस्ट लेटर दो बार आया इनको सितंबर 17th को और सितंबर 22nd को, और बीवीएल मिला इनको 12th ऑफ अक्टूबर, पीपीआर मिल गया 12th ऑफ अक्टूबर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन।
बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन कॉनेस्ट होगा कॉलेज है इनका, 7 बैंड्स नो लेस देन 6.5। इसके नेक्स्ट है 20 अगस्त की फाइल लॉज है, 21 को BCL मिला हुआ है, 13 अक्टूबर BVL और PPR मिल गया, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। इसके नेक्स्ट है जो जय गुरु जी जय माता जी एंड फाइल लॉज है 30 मार्च की, मेडिकल अपडेट हुआ है, मेडिकल हुआ है 20 मार्च को, बायोमेट्रिक अपडेट हुआ और बायोमेट्रिक करवाया और अपडेट हुआ 2 अप्रैल को, और रिव्यू स्टार्ट हुआ 26 अप्रैल को, मेडिकल अपडेट हो गए 8 अक्टूबर को, BVL और PPR 13 अक्टूबर को मिल गया, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। आफ्टर 6 मंथ इनका वीज़ा आया है और ये रीअप्लाइड केस है, अगस्त 5th का रीअप्लाइड है और 13 अक्टूबर को BVL और PPR मिला हुआ है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। इसके नेक्स्ट है 7 जून की फाइल लॉज है, रिफ्यूजल आ गया था 3 अगस्त को, SDS नॉन SDS कैटेगरी थी, नो फाइनेंशियल, 2nd फाइल लॉज की थी इन्होंने 5 अगस्त को, PPR मिल गई 13 अगस्त को, SDS नो फाइनेंशियल जस्ट अमेंडमेंट्स इन SOP। इसके नेक्स्ट है जो अगस्त 20 फाइल लॉज है, अगस्त 21 को BCL मिला हुआ है, 13 अक्टूबर को BVL और PPR मिल गया, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, बहुत ही लंबी हो गई है एंड मेरे को अभी व्लॉग भी एडिट करना है अपना, तो मैं जल्दी जा रहा हूँ एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पीस आउट, लव लव भावुक। मेरा सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो, PPR की वीडियोज ऐसे ही आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव लव भावुक, पीस आउट।